बढ़िया ही होंगे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे हृदय राज्य मध्य प्रदेश का सीहोर जिला के बारे में कुछ खूबसूरत बातें व पर्यटक स्थल के बारे में। चलिए फिर चलते हैं सीहोर जिले के शानदार सफर में। सीहोर जिला अपने भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय सीहोर में ही स्थित है। यह शहर काफी प्राचीन शहर है, जो नवाबों के समय से स्थापित है, जिसको शहीदों की भूमि भी कहा जाता है। सीहोर शहर मध्य प्रदेश के पश्चिमी शहर में स्थित होने के कारण यह जिला पूरी तरह अपने पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। जैसे उत्तर में राजगढ़ जिला, उत्तर पूर्व में भोपाल जिला, दक्षिण पूर्व में होशंगाबाद जिला, दक्षिण में हारदा जिला, दक्षिण पश्चिम में देवास जिला और उत्तर पश्चिम में शाहजहांपुर जिला से घिरा हुआ है। और पार्वती नदी के किनारे बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 38 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से 755 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही समुद्र तल से झीले की ऊंचाई 502 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सीहोर जिला 9 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है, साथ ही एक नगरपालिका, 4 ब्लॉक, 5 उपमंडल, 4 विधानसभा सीटें शामिल है। 6578 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हुए सीहोर जिले की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 13,11,000 से भी अधिक है, जिसमें पुरुषों की आबादी 6,83,000 तथा महिलाओं की आबादी 6,27,000 से भी अधिक है। जिले की लिंगानुपात 518 है, यानी 1,000 पुरुषों प्रति 918 महिलाएं मौजूद है। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिले की कुल साक्षरता दर 27.06% के करीब है। इस जिले की कुल आबादी में से 88.73% हिंदू, 0.52% मुस्लिम, 0.48% जैन तथा 0.37% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। अब इस शहर के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था। इसे 1972 ईस्वी में विभाजित किया गया था और एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। और ब्रिटिश राज्य के समय में बसाया गया शहर, जो कि आज के समय में उस दौर के कई पूर्वात्मक महत्व व भावनाओं को समेटे हुए। प्राचीन काल में संकेत मिलता है कि योग संप्रदाय शानदार संस्थापक महर्षि पतंजलि ने यहाँ प्रार्थना और पूजा में कुछ समय बिताया था। इसके अलावा इस शहर में कई शानदार पर्यटक स्थल मौजूद है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी इस शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना सीहोर जिले का भ्रमण अधूरा है। श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की प्रसिद्धि के कारण यह है कि इस मंदिर में मांगी गई हर इच्छाएं जरूर पूरी होती है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित, सीहोर जिले से 3 किलोमीटर दूर भोपालपुर गांव में स्थित है, जो काफी प्रसिद्ध है। मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। इस मंदिर में आपको गणेश जी की भाव प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। चैन सिंह की समाधि। सीहोर में स्थित एक मुख्य दर्शनीय स्थल है। चैन सिंह मध्य प्रदेश के पहला स्वतंत्र सेनानी हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारे देशभक्त और उनके समाधि पर घूमने के लिए आते हैं। सरू मरू की गुफाएं। सरू मरू की गुफाएं सीहोर जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको प्राचीन गुफाएं और कुछ अभिलेख देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह बीच में स्थित है। इस जगह में पहुँचने के लिए आपको ट्रेकिंग करनी पड़ती है, जो काफी सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको चट्टानों से बने गुफाएं देखने के लिए मिलते हैं। गुफाओं में प्राचीन काल में बौद्ध संत के लोग रहते थे और तपस्या करते थे, जो सीहोर जिले के बुधनी तहसील में स्थित है। यहाँ पर आपको सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप देखने के लिए भी मिलती है। ओल्ड सेंट्रल चर्च। ओल्ड सेंट्रल चर्च का निर्माण सन 1838 में ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंट द्वारा बनवाया गया था, जो स्कॉटलैंड से संबंधित था। यह इमारत स्कॉटलैंड के एक चर्च की सटीक प्रतिकृति है। इसके अलावा यहाँ कई और भी पर्यटक स्थल मौजूद है, जहाँ आप आकर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।